हेलो दोस्तों, एक बार फिर से कंपटीशन जेके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो राजस्थान इतिहास के अभिलेख को जो प्रशस्ति है उनकी जो ट्रिक है उनका पार्ट नंबर टू लेके आया हूँ। जो पार्ट नंबर वन है जो मैंने पहले अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने अभी तक वह नहीं देखा है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए। अगर दोस्तों ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर आपको लेटेस्ट राजस्थान की जीके, सॉरी राजस्थान की जितने भी लेटेस्ट वैकेंसी होती है, इंडिया की जो मोस्टली वैकेंसी होते हैं उनके सब के रिजल्ट, आंसर की, किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप लोग अभी तक हमारे फेसबुक पेज में विजिट नहीं हो तो वहाँ पर आप लोग विजिट कीजिए, वहाँ पर डेली में राजस्थान की स्टार्ट कर रखी है। तो चलते हैं आज की वीडियो का मजा लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है सिरोही। सिरोही में कितने अभिलेख को प्रशस्ति मिले उनकी ट्रिक जानते हैं। तो सिरोही में आज का फर्स्ट है बसंतगढ़ का लेक। दोस्तों, जो बसंतगढ़ का लेक था कहाँ पर मिला था? सिरोही में मिला था। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, आगे जो लिखा हुआ है इसके बसंत, तो बसंत को आपको पकड़ना है। तो आपने शोले फिल्म देखी होगी, ठीक है? शोले फिल्म में बसंती थी, कंप्लीट है। तो जैसे वो बोलते थे फिल्म में, डायलॉग फेमस है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो बसंती बोलती है ना राजा, मैं नहीं नाचूंगी। तो बसंती कैसे बताती है? अपना सिर हिला के। दोस्तों, सिरोही में अपन को क्या है, सिर शब्द कॉमन में रखना है। जो सिरोही है उसका आगे का जो सिर शब्द है, अपना जो सिर है उसको कॉमन में रख के चलना है। तीनों ट्रिक में इसी के अनुसार बताऊंगा, ठीक है? तो बसंती से कहते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो बसंती क्या करती है, सिर हिला के बताती है कि नहीं नाचूंगी, ठीक है? तो फर्स्ट कंप्लीट है। बसंती से कहते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाना, और बसंती ने क्या हिलाया, सिर हिलाया, तो सिर से हो गया सिरोही। दूसरा नेमिनाथ। दूसरा जो नेमिनाथ है, आगे का अगर नेमी हो जाए, नमी मात्रा हटाने के बाद इसमें नमी रह जाएगा। तो नमी, अपन जब नहाते हैं तो नमी कहाँ पर रह जाती है, तौलिया से पोंछ लेते हैं, पूरे शरीर को पोंछने के बाद भी नमी हमारे सिर पे रह जाती है क्योंकि बालों की वजह से, ठीक है? तो कहाँ पर रहती है नमी, सिर पर रहती है, ठीक है? अगर कहीं भी आ जाए कि नेमिनाथ किस जगह पर है मिली है, तो आपको रखना है कि नमी, नमी कहाँ पर होती है, सिर पे होती है। सिर का मतलब हो गया सिरोही, ठीक है? दूसरा कंप्लीट है। तीसरे और चलते हैं, लणो सही। जो तीसरा है लणो सही, दोस्तों जो लणो है इस सब को साइलेंट रख दीजिए, तो उसके बाद बचेगा इसमें लव सही। तो मैंने पूछा कि लव करना सही है, तो मैंने क्या सिर हिलाया कि सही है, और लव करना सही है, प्यार करना सही है, तो मैंने सिर हिला के बताया कि सही है, ठीक है? तो सिर हिलाया तो सिर से हो गया सिरोही। तो ये पेस्ट का सिरोही जिले में जो भी अभिलेख को प्रशस्ति मिले उनके बारे में मैंने बता दिया है। इसमें सिर शब्द क्या रखना है, आपको कॉमन में रखना है, ठीक है? सिर शब्द सिर से हो गया सिरोही, ठीक है? एक बार फिर रिपीट करता हूँ, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मत नाचना। तो बसंती ने क्या हिलाया, सिर हिलाया। सेकंड नमी, नमी कहाँ पे रहती है, नहाने के बाद सिर में, सिर पे नमी रहती है, तो सिर से हो गया सिरोही। लणो सही, लणो इसको साइलेंट कर दीजिए, उसके बाद बचेगा लव सही। लव सही, तो लव करना सही है, तो मैंने सिर हिलाया कि सही है। चलते हैं सेकंड नंबर पे, जयपुर। जयपुर के बारे में जान दें, तो दोस्तों मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जय। उसका क्या नाम है, जय, स्टोरी संबंध, ठीक है? तो मैंने जैसे बोला कि जय चार आम का रस बनाया, गर्मी बहुत लग रही है कि चार आम का रस बना, वो भी ठंडा वाला, ठीक है? अब इसको बता दें कैसे होते चार, देखना इसमें आगे का शब्द है चार। तो मैंने बोला जय लिया चार, आमेर का आगे का शब्द है आम, चार आम का रस, रस की पीछे वाला शब्द हो गया दोस्तों, रसों का हो गया रस बना। तो दोस्तों ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि जय चार आम का रस बना। आप उसके भी शोले फिल्म की भी सोच सकते हो कि वीरों ने बोला कि जय चार आम का रस बनाया, चार आम का रस बना, तो चार से हो गया, चार से हो गया चार सू, और आम से हो गया आमेर। दोस्तों एक या दो बार देखने की जरूरत है आपको, अगर एक या दो बार रिपीट करते हो तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप भूलोगे नहीं ट्रिक को। सिंपल क्लियर, बिल्कुल इन्हीं के नामों से मैंने ट्रिक निकाली है, ठीक है? तो जे
चार आम का रस बना। तो जयपुर में जो प्रशस्ति और शिलालेख मिले हैं वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जय चार आम का रस बना, चार सू का, चार सू आम का हो गया आमेर, और जय का हो गया जयपुर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, अजमेर। अजमेर में कौन कौन से शिलालेख प्रशस्ति मिले उनके बारे में जानते हैं। तो अजमेर में फर्स्ट है हमारा हरी केली नाटक, और दूसरा है बडली का, सॉरी बडली शिलालेख। तो दो है हरी केली नाटक और एक है बडली का शिलालेख। तो दोस्तों जो बडली हरी सॉरी जो हरी केली है, तो हरी केली में एक शब्द होगा रिंकू, इसके आगे बात, तो इसमें निकलता है रिंकू। रिंकू एक लड़के का नाम, ठीक है। रिंकू ने एक बड़ा अजगर देखा। रिंकू ने क्या देखा? एक रिंकू ने बड़ा अजगर को देखा, अजगर देखा। ये इसकी ट्रिक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे पेपर में आ जाए कि हरी केली नाटक कहाँ पे है, किस जगह मिला, तो हरी केली से आप ह हटाने के बाद इसमें रिंकू बच जाता है, तो आपको पता लग जाए कि ये वही ट्रिक है कि रिंकू ने बड़ा अजगर देखा। तो इसमें से जानते हैं कैसे निकलता है, कैसे अजमेर निकलेगा। तो रिंकू से तो हो गया रिंकू हरी कली सॉरी हरी केली नाटक हो गया, ने बड़ा, बड़ा से हो गया बड़, बड़ा से हो गया क्या हो गया बड़। पीछे अगर आके मात्रा हटा देंगे इसमें तो हो गया बड़। अजगर, अजगर से हो गया अजमेर, अजगर से हो गया अजमेर। ठीक है, देखा साइलेंट, इसको तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो रिंकू से हो गया हरी केली, और बड़ा से हो गया बडली, और अजगर से हो गया अजमेर। तो रिंकू ने क्या देखा? बड़ा अजगर देखा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद, एक या दो बार वीडियो देखने के बाद, आपके जो नोट्स हैं उन्हीं नोट्स पे जाना है आपको, ये ट्रिक लगानी है। एक बार देखना है कि कौन सा शिलालेख किस जगह पे मिला है, आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा कि ट्रिक कितनी सक्सेसफुल है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चौथा है बीकानेर। बीकानेर में है जूनागढ़ प्रशस्ति। जो जो जूनागढ़ प्रशस्ति कहाँ मिली है? बीकानेर में। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? जूना, आगे एक शब्द है जून, और आप सभी को पता है कि जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं, तो जून जो है वो लास्ट मंथ बचता है। ठीक है, तो लास्ट मंथ में हम क्या है फैमिली के साथ घूमने भी जाते हैं। ठीक है, तो हम फैमिली के साथ घूमने गए, कहाँ पर? गढ़ पे गए। गढ़ कौन सा? इससे मतलब नहीं है, इसमें आ रहे पीछे गढ़, तो कहाँ गए हम? गढ़ में गए। तो गढ़ में जा रहे थे, तो वहाँ पर गढ़ के बाहर एक दुकान लगी हुई थी बीकाजी नमकीन वाले। आप सभी जानते हो बीकाजी नमकीन वाले। ठीक है, तो अब देखना, तो जून के महीने में हम घूमने गए, गढ़ पे घूमने गए, तो गढ़ के बाहर बीकाजी नमकीन की दुकान थी, बीकाजी नमकीन की दुकान थी। मैं लिख देता हूँ एक बार, जून के महीने में हम गढ़ में घूमने गए, और गढ़ के बाहर बीकाजी नमकीन की दुकान थी। आपके साथ कुछ भी लिख लेना, मैं आपको स्टोरी बताया हूँ कि हम जून के महीने में फैमिली के साथ घूमने गए, एक गढ़ में घूमने गए, गढ़ के बाहर बीकाजी नमकीन की दुकान थी, तो वहाँ से हमने नमकीन लिया और अंदर चले गए। ये सिंपल ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। अगर आ जाए जून, जूनागढ़, तो आपको कुछ ध्यान रखना है, सिर्फ जून ध्यान रखना है कि जून महीने में हम घूमने गए थे और अपन ने क्या लिया था? बीकाजी नमकीन लिया। तो बीकाजी से बीकानेर हो गया, बीकाजी से हो गया बीकानेर, और जून के महीने में गए तो जून से हो गया जूनागढ़। सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना, अच्छी न भी न लगी हो तो तभी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट पाली। पाली में कौन कौन से लेख के प्रशस्ति मिले? तो एक है सोंडेश्वर का लेख, और दूसरा है रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, तो इनकी ट्रिक जानते हैं दोनों की एक साथ। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ कि रण में, रण जो युद्ध लड़ते हैं अपने, युद्ध जो स्थल होता है उसे रण कहते हैं। तो रण में पाल के 100 डेरे डाले। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अटपटा लग रहा होगा तो कुछ नहीं करना। जैसे युद्ध में लड़ने जाते हैं अपन, ठीक है, तो रण में लड़ने जाते हैं, तो उसके जैसे अगर आज युद्ध करना है तो आ तो जाएंगे नहीं, उसके एक दिन पहले निकल जाते हैं, ताकि वहाँ पर रुकते भी बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर सैनिक टेंट लगा के रखते भी, अपने नाटक फिल्म वगैरह में देखते हैं तो टेंट लगा के रहते हैं, एक दिन तो टेंट लगा के रहते हैं, तो कितने टेंट लगाए? 100 टेंट लगाए। ठीक है, तो वही है कि रण में पाल
पाल के किसके लगाए, पाल जो अपने गांव में पाल होते हैं, तो पाल के 100 डेरे लगाए, डेरे लगाए। अब इनसे निकालते कैसे, रण से हो गया रण कपूर, रण कपूर ठीक है, पाल से हो गया पाली, पाली को कर देंगे, तो पाल से हो गया यहाँ पर पाली, अशो से हो गया सोंडे सो का ले, सो से हो गया सोंडे सो का ले, और डेरे तो डेरे लगाए, सिंपल है। डेरे का शब्द भी इनसे निकलते दोस्तों, सोंडे सो पीछे का जो शब्द है डेरे, तो दोनों शब्द मिल गए, तो सो और डे रे ठीक है। तो रण में पाल के 100 डेरे लगाए सैनिकों के लिए, सिंपल ट्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, बाड़मेर। बाड़मेर में कौन कौन से मिले उनके बारे में जानते हैं, तो एक है शिवाना का लेक और एक है किराड़ू का लेक। अब दोस्तों एक लड़का है जिसका नाम है शिवा ठीक है, वो किराए से रहता है ठीक, तो उसके मकान मालिक ने बोला कि शिवा मकान का किराया या बाड़ा दे, किराए को बाड़ा बोलते हैं ठीक है, तो मैंने दोनों यूज शब्द यूज किए कि शिवा मकान का किराया या बाड़ा दे, बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ पर रहते हुए, अभी तक तेरे किराया और बाड़ा नहीं दिया, तो मकान मालिक ने बोला कि शिवा मकान का किराया या बाड़ा दे, तो शिवा से हो गया शिवाना, देख मिलने के बाद शिवा, तो शिवा से हो गया शिवाना, मकान का साइलेंट है ठीक है, मकान का किराया जो आगे का किराया, तो किरा अड्डू, किराए से हो गया किराड़ू ठीक है, शिवा से हो गया शिवा का लेक, शिवाना का लेक सॉरी, और किराया से हो गया किराड़ू का लेक। भाड़ा, बाड़ा और बाड़ा दोनों देखो सेम है, बाड़ा और बाड़ा, तो इसकी आके मात्रा हटाने के बाद भी बोल जाएगा बाड़ और लगाना है मेर, बाड़मेर ठीक है। तो शिवा मकान का किराया या भाड़ा दे, शिवा से हो गया शिवाना का लेक, मकान का साइलेंट है किरा, किरा से हो गया किराडू का लेक, और बाड़ा से हो गया बाड़मेर, बाड़मेर बाड़ा बाड़ा, तो आप ऐसा बाड़ा ऐसे ना लिख कर ऐसे भी लिख सकते, लिख लेना जिसे आपको जल्दी याद हो जाए ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, 7 सीकर, और सीकर में एक ही मिला है, वह है दर्शनाथ प्रशस्ति। दर्शनाथ की प्रशस्ति जानते हैं, दर्श तो धनुष से शिकार किया ठीक है, जो प्राचीन लोग थे वह धनुष से ही शिकार करते थे तो ठीक है, तो धनुष धनुष से हो गया दर्शनाथ, दर्श ठीक है, नो को साइलेंट कर दो तो ये दस हो गया, तो धनुष से निकलता है कि दर्शनाथ, से शिकार, शिकार से हो गया सीकर। दोस्तों सीकर और सिरोई दोनों सेम है, सिर्फ इसमें कबूतर वाला का अंतर है, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप इस दोनों को थोड़ा गौर करके पढ़ना है, ट्रिक याद करनी है ठीक है। तो धनुष से तो गया दर्शनाथ और शिकार ठीक है, तो इसमें भी क शब्द बीच में है ठीक है, तो शिकार को ऐसे लिख लो या अपने ट्रिक के हिसाब से ऐसे लिख लो शिकार, तो आके मात्रा ठाना है जिसमें सीकर हो गया, तो शिकार से हो गया सीकर और धनुष से हो गया दर्शनाथ प्रशस्ति ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जोधपुर। जोधपुर में कौन कौन से मिले उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो जोधपुर में फर्स्ट है हमारा मंडोर शिलालेख, सेकेंड है गटियाला शिलालेख, और तीसरा है सच्चिका माता की प्रशस्ति, तो तीनों तीनों की ट्रिक एक ही साथ ही जानते हैं ठीक है दोस्तों। तो इनकी क्या ट्रिक है, सच्ची सच्ची में जोधा ने घड़ियाल का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, मार दिया दोनों ठीक है। तो घड़ियाल तो होता है जो मगरमच्छ होते हैं, घड़ियाल मच जो जंगल में पाए जाते हैं अधिकांश सबसे ज़्यादा, तो
तो ठीक है, तो सच्ची में जोधा ने घड़ियाल का मर्डर कर दिया। सच्ची में जोधा भाई को समझ लेना, जोधा को, ठीक है। घड़ियाल मगरमच्छ हो गया, मार दिया या मर्डर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मर्डर लिया है, तो सच्ची में सच्ची का तो होगा सच्ची का, सच्ची सच्ची दोनों मैच कर रहे हैं, तो सच्ची से हो गया सच्ची का माता की प्रशस्ति। जोधा, जोधा से हो गया जोधपुर, जोधा से क्या होगा यहाँ पर जोधपुर हो गया, ठीक है। ने घड़ियाल, घड़ियाल से यहाँ हो गया घटियाला, ये हो गया घटियाला, घटियाला, तो घड़ियाल से हो गया घटियाला। और मड्रस हो गया मंडोर, दोस्तों मड्रस हो गया मंडोर, ये हो गया अपने यहाँ पर मंडोर, ठीक है। तो सच्ची का तो हो गया सच्ची का, और जोधा का हो गया जोधपुर, और घड़ियाल का हो गया घटियाला, और का मर्डर, मर्डर का हो गया मंडोर। तो तीनों के ऊपर ट्रिक एक लाइन में, सच्ची में जोधा ने घड़ियाल का मर्डर कर दिया। किसी ने पूछा कि सच्ची में जोधा ने, कसम से जोधा ने घड़ियाल का मर्डर कर दिया। तो ये ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। तो दोस्त नेक्स्ट है हमारी 9वीं, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कौन सी प्रशस्ति मिली? तो मिली आर्थोना प्रशस्ति, आर्थोना प्रशस्ति। अब इसकी ट्रिक जानते हैं, सिंपल बताता हूँ मैं आपको, कि जब हम सर्दी के दिनों में जो दूनी होती है उसमें तापते हैं, आप सभी जानते हो, राजस्थान के हो तो दूनी को तो सभी जानते हैं, ठीक है। जो दूनी होते हैं उसमें तापते हैं, तो उन्हें जब हम बचपन में कागज़ या बांस वास वगैरह जो भी जलाते हैं, तो घर वाले मना करते थे कि इनको नहीं जलाते हैं, बांस वगैरह को, कागज़ को नहीं जलाते, ठीक है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो बांस वगैरह को नहीं जलाते, तो अब जानते हैं, इसी से ही हम पर ट्रिक निकालते हैं। जैसे दूना, दूना, दूना से दूने, ठीक है, ये ट्रिक लिख दी मैंने कि दूना, दूना में बांस नहीं जलाते हैं। तो अपन कुछ ध्यान रखना, सिर्फ ये ध्यान रखना कि दूना से तो हो गया अर्धूणा, ठीक है, अर्धूणा में क्या नहीं जलाते, इसमें क्या नहीं जलाते, बांस, कागज को नहीं जलाते, बांस से हो गया बांसवाड़ा। तो आपको ये जला नहीं जलाते, ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना सी याद रखना है कि दूने में क्या नहीं डालते, कि बांस नहीं डालते, बांस को नहीं जलाते हैं, ठीक है, ये ट्रिक होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट 10वां, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन कौन से अभिलेख शिलालेख मिले हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है बिजोलिया का शिलालेख, और दूसरा है नंदनसा युप स्तंभ लेख। तो इसकी ट्रिकी बताता हूँ मैं आप लोगों की, नंदी, नंदी बीज भी लेकर आ, आना समझने के लिए बताता हूँ कि महादेव शंकर भगवान है हम, ठीक है। तो शंकर भगवान नंदी से बोलते हैं, वो खेती करते हैं शंकर भगवान, समझने के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो खेती करते हैं, तो शंकर भगवान बोलते हैं कि नंदी अपने साथ आते टाइम बीज भी लेकर आना, नंदी बीज भी लेकर आना। तो ये हमारी ट्रिक है, ठीक, समझने के लिए मैंने शंकर भगवान और नंदी का नाम लिया है, ताकि आप जल्दी से इसे कैचअप कर सको, ठीक है। तो नंदी बीज भी लेकर आना, तो नंदी से हो गया नांदसा, ठीक है, बीज से हो गया बिजोलिया, और जो बी लेकर आना है, जो बी लेकर आना है, इसको ऐसे मिला देंगे, बी बी को लिख देंगे और लेकर का लग करके, तो हो गया बिल। तो अपने क्या होगा, बिल वाड़ा हो गया, कर आना साइलेंट रहेगा, कर आना क्या होगा साइलेंट रहेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नंदी, नंदी से हो गया नांदसा युप स्तंभ लेख, और बी से हो गया बिजोलिया, बी लेकर, ले बी लेकर, तो बी लेकर के ल लिख करने के बिल हो जाएगा, तो बिल वाड़ा हो जाएगा, कर आना ये रहेगा साइलेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, कोटा। कोटा में कौन सा मिला है, कणसवा मिला है, तो कणसवा को देख दोस्तों, आगे क है, तो क से भी कोटा हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कर, आगे का क को जो अण है उसको ऐसा लिख दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे भी कोटा हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 9 जिले थे, उनमें जितने भी अभिलेख और प्रशस्ति मिले उनके बारे में ट्रिक। अगर दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो ना आप लोगों को, तो जरूर यार लाइक करना,
और कमेंट भी करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। अगर आप किसी चीज़ की ट्रिक बनानी है या किसी टॉपिक पे ट्रिक बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ उस ट्रिक को लाने की। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।